हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। सो गाइस, आज की रीडिंग हमारी होने वाली है आपके पर्सन की तरफ से कौन से चैनल्ड मैसेजेस हैं या चैनल्ड सॉन्ग्स हैं जो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, वो मैसेजेस या सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते किसी न किसी वजह से। ओके गाइस, तो उसके लिए आज मेरे पास है 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1 इज दिस लव बिगिंस कार्ड। ओके, पाइल नंबर 2 है स्पिरिचुअल यूनियन। पाइल नंबर 3 पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस। ओके, अब सब मेरे को बोलेंगे दीदी इतनी डिफिकल्ट चॉइस दे दी है। ओके, तो मैं आपको बोलूँगी गाइस पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड मेडिटेट कीजिए। जिस भी पाइल से आप अट्रैक्ट हों सबसे ज़्यादा उसको चूज़ कर लीजिएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी लव बिगिंस का कार्ड को चूज़ किया है। ओके, तो ये कार्ड मैं इधर रख देती हूँ। चलिए देखते हैं क्या चैनल मैसेजेस हैं या सॉन्ग्स हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। ओके, सो पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए है Wishing you were here with me right now। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको मिस करते हैं एंड वो ये भगवान से बोल रहे हैं कि काश आप उनके साथ होते इस वक्त। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि देखिए हमारे पास ये कार्ड है लव बिगिंस का एंड वो यही बता रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए या आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अपने पर्सन के लिए। आई एम वेकिंग अप टू दिस कनेक्शन, तो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंस का, कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। दिस इज़ सो स्वीट। नेक्स्ट मैसेज है वुड यू गिव मी द चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। ओके, सो हो सकता है वो आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो एंड इस वजह से आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई हो, इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आप लोगों के लिए है आई एम कमिंग बैक। सो गाइज, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस मैसेज का, तो आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके पास। ब्यूटिफुल गाइज, You are the blessing. Just a second, guys. You are a blessing, though I haven't shown you. तो हो सकता है आपके पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, तो अब वो आपको बता रहे हैं कि उनको रियलाइज़ हो गया है कि आप भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत सा गिफ्ट थी जिनकी उन्होंने कदर नहीं करी एंड अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं और वो वापस आना चाहते हैं। Do you miss me? तो आपके पर्सन पूछ रहे हैं क्या आप उनको याद करते हो। नेक्स्ट मैसेज है माई सोल ऑलरेडी न्यू लॉन्ग बिफोर आई डिड। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उनको इंट्यूशन थी, कहीं ना कहीं उनकी सोल ने उनको बता दिया था कि यू आर द वन, बट वो उनको रियलाइजेशन 3D में बाद में हुआ। चलो थैंकफुली रियलाइज तो हुआ। Why did everything go so rock bottom? तो आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ उसको बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको रिग्रेट है, पछतावा है जो भी उन्होंने आपके साथ करा है ना। वो आपसे जब भी मिलेंगे आपसे माफ़ी मांगेंगे एंड चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कहाँ गलती हो गई उनसे या आपसे। I love it when you speak to me through your eyes. Next message है आई एम फीलिंग दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चॉइसिस आई मेड। जैसे कि मैंने आपको बोला आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं फॉर द चॉइसिस दैट ही और शी हैज़ मेड एंड नाउ दे वॉन्ट टू कम बैक, वो वापस आना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज है हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। गाइज दिस इज़ अ सॉन्ग, इसको सुनिएगा, हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो इस सॉन्ग में। कुछ तो है तुझसे राबता, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। सो गाइज, देर इज़ समथिंग स्पिरिचुअल और डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। आई डोंट नो वाई बट दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज, मैंने आपको क्यों बोला।
ए मेरे हम सफ़र। तो आपके पर्सन आपको इतने सारे सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाह रहे हैं। गाइज ध्यान से सुनिएगा इन सॉन्ग्स के लिरिक्स को, डेफिनेटली आपके लिए मैसेज होगा। लास्ट मैसेज जो मेरे पास आया है आप लोगों के लिए, यू आर स्पेशल टू मी इवन दो आई टोल्ड यू अदरवाइज। सो हो सकता है जैसे कि मैंने बोला कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ हो एंड आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि उन्होंने आपको कम्प्लीटली ऑपोजिट शो करा जो वो एक्चुअली फील करते हैं आपके लिए। ब्यूटिफुल गाइज, ब्यूटिफुल रीडिंग। चलिए देखते हैं बाबा की क्या गाइडेंस है आपके इस कनेक्शन से रिलेटेड। गाइज मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैम ये जो रीडिंग है ये मैरिड के लिए है या अनमैरिड के लिए। गाइज ये दोनों के लिए रीडिंग्स होती हैं। मैं स्पेशल अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग करूँगी तो डेफिनेटली मैं थंबनेल में मेंशन कर दूँगी। अदरवाइज गाइज मेरी रीडिंग्स मैरिड के लिए भी होती हैं, सिंगल के लिए भी होती हैं, डेटिंग के लिए भी होती हैं। हमारे पास कार्ड आ गया है। सो जो कार्ड है वो है यू आर यूनिक। तो बाबा आपको बोल रहे हैं आप बहुत यूनिक हो एंड आपकी जो जर्नी है वो भी यूनिक है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। तो गाइज ये बाबा का मैसेज ये कह रहा है बेसिकली, अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपका आपके पर्सन के साथ यूनियन नहीं हुआ या जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, उसको आप दूसरों की लाइफ से कंपेयर ना करें। जिस दिन आपने ये करना छोड़ दिया बहुत जल्दी आपका रीयूनियन हो जाएगा आपके पर्सन के साथ। ओके गाइज बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है हमारे पास, बी द लाइट। तो जितना आप हेल्प कर सकते हैं, हीलर बन सकते हैं तो हीलर बनिए। जब ज़रूरी नहीं होता गाइज हीलर का मतलब ये है कि आप टैरो रीडर बन जाएं। आप हीलर इन द सेंस कि दूसरों को खुशी दे, सुकून दे। अब वो सुकून किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपने किसी की हेल्प कर दी, कुछ डोनेशन कर दिया, चैरिटी कर दी, तो इस फॉर्म में भी यू कैन बी द लाइट फॉर इन समवनस लाइफ। ओके सो गाइज ये थी छोटी सी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है, गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोग किसी टाइप के ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हो। दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं एंड डिफरेंसेस भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ सिमिलैरिटीज़ हैं एंड इनफाइनाइट लव है, अनकंडीशनल लव है आप दोनों के बीच में। सोचते एक जैसा हो, अगर इंट्यूशन आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होगी या आप इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ओके आपको इनके ड्रीम्स आते होंगे। अगर आप मुश्किल में हैं तो इनको पता लग जाता होगा ना, अगर ये मुश्किल में है तो आपको पता लग जाता होगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं या क्या सॉन्ग्स हैं जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। ओके चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस एंड सॉन्ग्स हैं जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। गाइज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा चैनल तो जल्दी से कर लीजिए एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन्ड हैं। ओके अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तब भी या डोनेट करना चाहते हैं तब भी। सो पहला मैसेज पाइल नंबर 2 के लिए है, आई नो योर वर्थ नाउ। तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपकी इम्पोर्टेंस ना जानी हो, आपको पुश किया हो, जो कि यूजुअली होता है अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम में, तो आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या चीज़ मिस कर दी। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास पाइल नंबर 2 के लिए है, You inspire me to be better version of myself। तो कहीं ना कहीं वो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं एंड उनको बढ़ावा मिलता है ताकि वो अपनी लाइफ में और अच्छा कर पाए। ओके विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट मैसेज है, आई वॉन्ट टू ओवरकम माई फियर्स। तो हो सकता है इन्होंने जो आपको पुश अवे करा हो वो अपने डर की वजह से,
एंड अब वो उस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं एंड मेरे को ये लग रहा है ये वापस आएंगे या आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं या ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग भी हुई होगी आप लोगों के बीच में। अगर ऐसा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सी आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग आवर कनेक्शन, तो आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन को। ब्यूटिफुल गाइज, नेक्स्ट मैसेज है हाईली अट्रैक्टेड टू यू, तो आपकी पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वेरी नाइस, मस्त मगन। ओके, दिस इज़ अ सॉन्ग फ्रॉम टू स्टेट्स गाइज, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा, हो सकता है इसमें कुछ मैसेज हो जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। मैं रंग शरबतों का, तो सॉन्ग्स ही आ रहे हैं मोस्टली आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको ये सॉन्ग भी डेडिकेट करना चाहते हैं। गाइज ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। सो टेक द वंस दैट रेजोनेट एंड लीव द वंस दैट डोंट, जो आपसे रेजोनेट करती है बस उन्हीं रीडिंग्स को लीजिएगा, उन्हीं मैसेजेस को ले लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज है आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेन हैप्पी, तो वो आपको खुश देखना चाहते हैं। मैंने बोला है ना अनकंडीशनल लव है, मैसेज भी आ गया, बोलना हल्के हल्के। सो अगेन दिस इज अ सॉन्ग। नेक्स्ट मैसेज है आर लव स्टोरी इज माई फेवरेट, तो आपके पर्सन, दिस इज सच एन अडोरेबल अडोरेबल मैसेज, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आपकी और उनकी लव स्टोरी उनकी फेवरेट है। नेक्स्ट मैसेज है व्हाई डिड एवरीथिंग गो सो रॉक बॉटम, तो आपके पर्सन को वही चीज़ है कि उन्होंने आपको जब पुश अवे करा, आपकी इम्पोर्टेंस रियलाइज करी, तब उनको लगा कि येस ही हैज़ लॉस्ट समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट इन हिज लाइफ। अब और दूर नहीं रहा जाता मुझसे, मैंने बोला आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे गाइज, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना, मैं अभी देखूंगी टैरो कार्ड से भी देखूंगी आपके पर्सन आपको कब कॉन्टैक्ट करते हैं। व्हेन वी डोंट स्पीक इट किल्स मी, तो आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि जब आप उनसे नहीं बात करते या आप लोगों की बात नहीं होती तो वो उस चीज़ से वो बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। आई लव इट वेन यू स्पीक टू मी थ्रू योर आइज, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं उनको आपकी आँखें बहुत पसंद है और उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप आँखों ही आँखों में उनसे बातें करते हैं। सी देखिए कार्ड भी हमारे पास कुछ ऐसा सा ही है, ये दोनों आँखों ही आँखों में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ब्यूटिफुल गाइज, बहुत प्यारी रीडिंग आई है पायल टू, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। वुड यू रिजेक्ट मी, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डर है कि अगर वो आपको दोबारा अप्रोच करते हैं कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कहीं आप मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार, अगेन ये मैसेज पाइल वन में भी आया था। नेक्स्ट मैसेज है डिवाइन इंटरवेंशन, तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है जिन्होंने भी पाइल टू को चूज़ करा है आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, रीयूनियन होने वाला है, रिकंसिलिएशन होने वाला है। अब तो देखो कार्ड ही आ गया बट मैं फिर भी देखूंगी टैरो रीडिंग से। आई हैव सो मच पैशन फॉर यू, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट मैसेज है प्लीज़ एक बार मुझे कॉल या मैसेज करो, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल या मैसेज करें। एंड लास्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर टू इज़ आई वॉन्ट यू बैक, कितना प्यारा मैसेज है, मैंने आपको बोला ही था आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं टैरो से कि आपके पर्सन कब तक वापस आएंगे या आप लोगों का रीयूनियन कब तक होगा। मैं दो कार्ड्स और, ओके एक कार्ड आना चाहता था,
वन मोर कार्ड मदर यूनिवर्स. ओके एस ऑफ कप्स. जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई होप आप देख पा रहे हैं, और एल्स मैं एक मिनट रुकिए, मैं मैसेजेस आपके ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरी साइड पे. एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड. अब बता दूं मैंने आपको क्या बोला है. डेफिनेटली आपके पर्सन आने वाले हैं. अगर टाइमिंग की बात करूं, कुछ लोगों के लिए विद इन अ वीक, या अभी वीडियो के जब भी आप ये वीडियो देखोगे उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर आपके पर्सन का किसी टाइप का कम्युनिकेशन आ सकता है, मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू. अगर ऐसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस. आप लोगों की रीडिंग्स अच्छी आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो कुछ लोगों के लिए टाइमिंग्स की बात करूँ तो विद इन अ मंथ, काफ़ी लोगों के लिए विद इन अ मंथ, बाकियों के लिए एटलीस्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर मैसेज आपको मिल जाएगा. ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, 10 of cups. सो डेफिनेटली ही वॉन्ट्स अ फैमिली विद यू, अ फर्म फाउंडेशन. ओके फिर भी हम देखेंगे साई बाबा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए. बाबा गिव मी 1 कार्ड फॉर पाइल टू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. ओके कार्मिक क्लेंजिंग. ओके तो बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि अभी जो भी आपने भुगता या जो भी आपके साथ बुरा हुआ इस दौरान, जब आपके पर्सन आपके साथ नहीं थे या आपके पर्सन ने आपके साथ बुरा बिहेव करा, वो सब डिवाइनली गाइडेड था. जैसे कि मैंने बोला, आप लोग किसी टाइप के स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन में. एंड बाबा ये बोल रहे हैं ये जो भी कुछ आपने बुरा फेस देखा अपनी लाइफ में अपने कनेक्शन से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो आपके कर्मा थे जो साफ हो रहे थे. एंड नाउ जैसे ही वो कर्मा ख़त्म हो जाएंगे, वो बुरे कर्मों का, देखिए बुरे कर्मों का हिसाब तो सबको ही देना पड़ता है. अब आपको नहीं पता पिछले जन्म में आपने क्या करा था, तो वही बात है कि बाबा आपकी वो कार्मिक क्लेंजिंग कर रहे थे. जैसे ही वो क्लेंजिंग ख़त्म हो जाएगी आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे. ओके बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या आया है, श्रद्धा सबूरी. तो बाबा बोल रहे हैं कि विश्वास रखो, बहुत जल्द आपका रीयूनियन हो जाएगा आपके पर्सन के साथ. बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है गाइस, आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल. मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे, हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तब भी सारी डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के. मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ. टिल देन लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय. हे गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ करा है, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. गाइस नंबर 3 आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या मार्च का महीना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आपका या आपके पर्सन का लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है. ओके चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. पाइल नंबर 3 चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं. तो पाइल नंबर 3 आपके लिए, मेरे पास पहला मैसेज है, व्हाई डिड एवरीथिंग गो सो रॉक बॉटम. अरे ये मैसेज दोनों पाइल्स में और अब तीसरी पाइल में भी आया है. सो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं भाई, क्या क्या हुआ है मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में कि क्या हुआ आप दोनों के बीच में. आई हैव सो मच पैशन फॉर यू. अरे पैशन है तो फिर इतना क्यों गलत गलत हो गया.
थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग. तो आपके पर्सन थैंकफुल है कि उनको इतना अंडरस्टैंडिंग और पेशेंट पर्सन मिला है. आई वॉन्ट टू ओवरकम माई फियर्स. तो आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी डर है उनके अंदर आपके रिलेशनशिप को लेके, वो उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं. ओके गाइज, नेक्स्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 इज, अब और दूर नहीं रहा जाता मुझसे. तो फिर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों करी, क्लियर आउट कर लो. ओके, आई फील एम्प्टी इनसाइड, आई नीड टू फिल मी अप बिफोर आई कैन गिव यू वॉट यू नीड. तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं, गाइज इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है. ओके, तो हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है इनके, हार्ट चक्र पे प्लीज़ आप लोग काम कर लीजिए अगर आपको पता है कि कैसे करना है. अगर नहीं पता तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. सारी डिटेल्स पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है. ओके, सो डेफिनेटली इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है. तो इनको समझ नहीं आ रहा कि अगर वो प्यार भी करते हैं तो आपको एक्सप्रेस कैसे करें. नेक्स्ट मैसेज है फाइल नंबर 3 के लिए, नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट. डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी बहुत है क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है पाइल नंबर 3 आपके पर्सन का. आई लव टू बी अराउंड यू, यू लिफ्ट मी अप, विल बी बाय योर साइड फॉर एवर. तो डेफिनेटली आपके पर्सन पसंद तो करते हैं आपको एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देखते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी बहुत है. एंड गाइज ये तभी होता है जब आपके चक्रास ब्लॉक्ड हों. नेक्स्ट मैसेज है, आई थिंक अबाउट द फर्स्ट टाइम वी किस्ड. सो वो सोचते हैं वो फर्स्ट टाइम किस के बारे में, जो आप लोगों के साथ आपका वो एक मोमेंट रहा था, तो वो उसको याद करते हैं. माई सोल ऑलरेडी न्यू लॉन्ग बिफोर आई डिड. तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता ही था कि यू आर द वन, बट उन्होंने फिर भी कुछ ऐसा करा कि आप इनको छोड़ के चले गए. यानी इनको खुद समझ नहीं आया कि सडनली ये चीज़ें कैसे हो गई. इसी वजह से हमारे पास ये मैसेज भी आया था, व्हाई डिड एवरीथिंग गो सो रॉक बॉटम. नेक्स्ट मैसेज, आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेन हैप्पी. तो आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं, एंड आपकी खुशी तो आपके पर्सन में ही है ना. है ऐसा तो मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में. आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग आवर कनेक्शन. तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. दिस इज़ द बेस्ट थिंग गाइज. जितना आप मैनिफेस्ट करते हो ना, मैनिफेस्टेशन करने में कोई नुकसान नहीं होता. किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भले ही देर ज़रूर लगाएगी, मैं ये नहीं बोल रही हमेशा देर लगती है, बट अगर देर से भी मिल रहा है ना तो बहुत अच्छा है. ओके, इसका मतलब ये है कि जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो गई हैं, एंड नाउ वॉट यू आर रिसीविंग, जो आपको मिल रहा है वो हमेशा के लिए मिल रहा है. तो ऐसा सब्र करना गाइज बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी भी होता है. आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स वी शेयर्ड. तो आपके पर्सन बहुत याद करते हैं उन अच्छे पलों को जो आपके साथ बीते हैं. गाइज हो सकता है आप लोगों के बीच में ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग हुई हो, एंड पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए मैं बता दूं, हो सकता है पाइल नंबर 1 से भी काफ़ी अट्रैक्ट हुए हो. तो अगर आप चाहें तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं. नेक्स्ट मैसेज आई हैव फॉर पाइल नंबर 3 इज़, यू इंस्पायर मी टू बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. तो कहीं ना कहीं आप उन्हें इंस्पायर भी करते हो कि वो और अच्छा करते रहें अपनी लाइफ में. एंड लास्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 इज़, डोंट नो इफ आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशंस. तो या सेल्फ वर्थ इश्यूज है गाइज. इनका हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा दोनों ब्लॉक्ड हैं. ओके, अगर आप ये पाइल को पाइल बोल रही हूँ, इस कार्ड को ध्यान से देखें तो एक तरीके का बैलेंस जो वो चाहते हैं कि वो बने, एंड रिलेशनशिप में वो जब बैलेंस आएगा तो वो आपको कमिटमेंट देंगे. बट बैलेंस इसीलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है एंड इनका रूट चक्र एंड सेक्रल चक्र.
ओके गाइस, सेक्रल चक्रा भी इनका ब्लॉग है। सो इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग गाइस, सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। आइए देखते हैं बाबा आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं आपके इस कनेक्शन से रिलेटेड। बाबा पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज उनके कनेक्शन से रिलेटेड एडवाइस दीजिए। ओके, सेलिब्रेशन, तो बहुत जल्दी आपके पास कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, या यूँ कहूँ कम्युनिकेशन होने वाला है कि आपके पर्सन आपसे क्या फील करते हैं आपके बारे में, वो आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है सर्विंग द नीडी, तो बाबा आपको बोल रहे हैं जितना डोनेशन और चैरिटी कर सकते हैं आप करें, ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। लास्ट कार्ड जो बाबा की गाइडेंस है वो ये है चैनल। बाबा की तरह ही गाइस, जैसे बाबा सबकी सेवा करते थे, सबको प्यार भावना के नज़रिए से देखते थे, सबको हमेशा ऐसे देखते थे कि सबकी मदद करनी चाहिए या सबके लिए आप बाबा हैं, वैसे ही आपको बनना है। ओके, तो ये बाबा बोल रहे हैं थोड़ा बेसिकली काइंडनेस शो कीजिए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो बाबा बोल रहे हैं कि आप मैग्नेट की तरह बने, एंड जो भी आप सोच रहे हैं ना गाइस इस कनेक्शन से रिलेटेड, स्पेशली पाइल नंबर 3, तो मैं आपको बता दूं नेगेटिव मत सोचना क्योंकि वही आप अट्रैक्ट कर लोगे। एंड बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप भी मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने नहीं करा है तो, एंड अगर आपने करा है तो बाबा आपको बोल रहे हैं उस चीज़ पर डाउट ना कीजिए। ओके, सो ये थी छोटी सी रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।